ना जाए तो पॉसिबल नहीं है। और काफ़ी दिनों से मौसम बहुत खुशगवार था हमारे इलाके का, तो हमने फैसला किया है कि हम ज़रा चुलिस्तान जाते हैं, खुद भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। मेरे साथ भाई अमीन साहब हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम निकलते हैं और रास्ता भी आपको दिखाते हैं। और वहाँ पर जाके जो चुलिस्तान की सकाफत है, टोबा है, और वहाँ पर जो रहन सहन लोगों का, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सामने चन्न पीर का दरबार, और इस वक्त हम बिल्कुल चुलिस्तान के शुरू वाले किनारे पर ठहरे हुए हैं। ये सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ है और अभी इंशाल्लाह हम चुलिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये मुसाफिरों के लिए यहाँ पर मस्जिद तामीर की गई है, अल मकतूम मस्जिद मदरसा ज़ेर तामीर है। और ये सामने जी मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत ही सवाब का काम है जिसने भी बनाया है। इस तरफ से चुलिस्तान का सबसे पहला टोबा लाखन, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। वहाँ पर एक वाटर सप्लाई का पॉइंट है, और इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ की जानब से यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाई गई है। जब भी आप चुलिस्तान में दाखिल होंगे तो यहाँ पर उनको एंट्री कराना लाजमी है। अभी असल सफ़र शुरू हुआ है जी चुलिस्तान का, और इसमें आपको रास्ते में बहुत सारी गायें, ऊँट, भेड़ बकरियाँ ऐसे चरते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत सारी गायें छाँव में बैठे हुए हैं, और साथ ही एक टोबा है, यहाँ से उन्होंने पानी पिया और यहाँ पर वो रेस्ट कर रहे हैं। इस तरह के मनाजर आपको चुलिस्तान में जगह जगह पर मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मौसम, और ये जी बने हुए हैं आर्मी वालों के, यहाँ पर बने हुए हैं उनके मोर्चे आप कह लें। इस तरफ हमारा सफ़र शुरू है, और सफ़र कितना रह गया मेरे साहब? सफ़र तकरीबन काफ़ी रह गया। मौसम और ज़बरदस्त हो गया है बारिश वाला। ये देखें, ये चुलिस्तान का खूबसूरत माहौल। एक और वाटर पॉइंट हमें मिला है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे वाटर पॉइंट्स हमें मिलेंगे रास्ते में। और ये भाई ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ पर वीक सिग्नल्स वीक हैं, और यहाँ पर ये कॉल करने के लिए ऊपर गया हुआ है। रास्ते में इसकी हमने हवा कम की थी बाइक की, और अभी हमें महसूस हुआ है कि बिल्कुल इसकी जो हवा है वो एंड हो गई थी, खाली हो गई थी ट्यूब। दोबारा इसको हम फिल कर रहे हैं, इसके प्रेशर, एयर प्रेशर इसका हम टाइट कर रहे हैं। तो देखें, अल्लाह खैर करें। चुलिस्तान में रबते का वाहि ज़रिया मोबाइल फ़ोन और उसका ये टावर, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम है जी टेली कम्यूनिकेशन की तरफ से। माशाल्लाह बहुत सेहतमंद गाय यहाँ पर चुलिस्तान में। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है, और अभी भी उसकी जो मटू है वो ताज़ा है, और ये देखें पानी भी ठहरा हुआ है बाद जगहों पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत खुशगवार हो गया, और मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। तो अभी यहाँ पर चल के आपको बाकी की जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। ये है हमारा डेरा जहाँ पर हमने स्टे करना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के ऊपर। और ये देखें, ये पीछे चुलिस्तान का माहौल, पहले हमारे आने से यहाँ पर बारिश हुई है, और बारिश ने तो माहौल को इस तरह ज़बरदस्त बना दिया कि जिस तरह हम नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठे हुए हैं, जिस और इसके पीछे जो कुदरती माहौल है यहाँ पर जो चुलिस्तान का, वो काबिल दीद है। और माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करने वाला विज़िट हो गया हमारा। तो अभी शाम का टाइम है, हम निकलेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर लोग रहने वाले हैं उनके देखेंगे और आपको भी दिखाएँगे, और इसके बाद इंशाल्लाह जो भी हमारी तरतीब होगी वो आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बांध के रखा हुआ है ताकि जब वो आएंगी वापस घास वगैरह चर के, तो फिर इनको वो दूध पिलाएंगी आके। तो माशाल्लाह देख लें कि यहाँ पर रेवड़ के रेवड़ हैं, यहाँ पर भेड़ के और बकरियों के इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पर हमारे हैं मेज़बान, जनाब साहब हैं,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वो सामने भी हैं और उस तरफ भी हैं। ये मतलब इतने छोटे हैं कि जब वो घास के लिए जाते हैं चुलिस्तान में, जिस तरह इस इलाके में हो गया, तो ये उनके साथ नहीं चल सकते। वैसे कुदरती तौर पर हमने निकलना आज ही था, मौसम काफ़ी दिनों से अच्छा था, लेकिन बारिश हो जाएगी ये हमें मालूम नहीं था और आज माशाल्लाह यहाँ पर बारिश हो गई बहुत अच्छी ज़्यादा और माहौल बहुत ज़बरदस्त और इन्जॉय करने वाला। ठीक है, बारिश ठीक थी कि आज था घरे ठीक थी सुनिए पहले करना था यही पहले करना आज था ये चलो माशा। शाम के टाइम में अपने जानवरों की देखभाल, उनको दूध पिलाना और उनकी केयर करना, ये सारे इस तरह के जो काम हैं हमारे भाई वाटर टेक्निक यार ज़बरदस्त। और दोनों तरफ से इन्होंने ये उनको रखा हुआ है, उस तरफ से भी हैं और उस तरफ से भी हैं, वेरी अमेजिंग। ये भाई ना ऊँट लेके आए हैं, कह रहे हैं कि आप इस पर सवारी करें, लेकिन सवारी जिसके ऊपर होता है वो सामान रखने के लिए, जिसे पाखड़ा कहते हैं जबान में, सराय की जबान में, वो तो इसका है नहीं। और इस खाली ऊँट पे तो पहले भी मैं एक दफ़ा गिरा तो मैंने तो एक्सक्यूज़ कर लिया भाई लोगों के से कि मैं इस पर नहीं बैठूंगा, लेकिन ये हमारे जो मोहतरम हैं ये बैठेंगे, इनको बहुत एक्सपीरियंस है बैठने का, बगैर पाखड़ेंगे और बैठेंगे, हमें बैठ के दिखाएंगे यार इस पर कैसे बैठा जाता है बगैर पाखड़ेंगे। हाँ जी लो ज़रूर बैठेंगे। ये भाई बैठ रहे हैं जी बगैर पाखड़े के बैठ रहे हैं और इनकी जुरत को भी सलाम है। दोबारा बिठा रहे हैं नहीं ये जी ताहिर भाई इसको लेके जा रहे हैं, अभी लीड कर रहे हैं। हाँ जी कहाँ लेके जाना है? चराने के लिए लेके जा रहे हैं। चले वाह जी वाह माशाल्लाह। भूख की वजह से? अच्छा क्या घास वगैरह? हाँ जो शाम में लेके जाएंगे घास खाएगा। अच्छा ये कब तक वहाँ पर रहेगा? ये सारी रात जो है ना ये अपने घास चरेगा, सुबह को फिर हमारा जो है ना एक बच्चा या कोई बड़ा बंदा जाएगा इसको लेके आएगा, इसको लेके आ जाएगा, फिर इससे अपना जो जरूरत का काम होगा वो लेंगे। मतलब रात को जब ये वहाँ पर घास चरेगा तो आपकी जरूरत नहीं होगी, अकेले वहाँ पर? अकेला अकेला। वाह जी वाह, वसी जंगल है। अच्छा माशाल्लाह। आप भी कह रहे होंगे कि किस चीज़ की आवाज़ है, अब ये देखें कि ये जो है इनकी जो माएँ हैं वो वापस आ रही हैं वहाँ से घास चर के इस तरफ से, वो देखें वो आ रही हैं सामने और ये जो है ना उनको बुलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप आएँ। ये देखें ये इसका नहीं है, अब दो चली गई। मिक्स थी या खाना तैयार हो गया था और भाई ने बुलाया कि आगे खाना खा लें आगे नहीं आ रहा सके। क्या बात है ज़बरदस्त, इतना टेस्टी खाना शायद ही मैंने पहले खाया होगा, देसी खाना साथ में देसी घी और देसी चक्कर, बहुत ज़बरदस्त। और चलें अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए, अब ऐसे नहीं है कि बंदा मेहमानों का इंतज़ार करता रहे तो फिर खाना जो है ना वो खाने को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, ऐसे ना? सर नहीं मैंने कहा ये आज नहीं बताऊँगा।
ये दो छोटे बच्चे हमें मिले हैं और उनसे बात करते हैं। सुनो खाना खाने के बाद दोबारा अचानक बारिश शुरू होगी और ये हम आ गए हैं रूम में और बहुत ज़्यादा बाहर बारिश भी है और तूफान भी है, आंधी बहुत है, बाहर नहीं निकला जा रहा और यहाँ पर हम बारिश का और आंधी का बहुत ज़्यादा शोर है और अल्लाह पाक रहमत की बारिश था आप में। तो अभी सोने का टाइम है, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी आपसे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी उसको शेयर करते हैं।